साल की तरह इस साल भी दिखावे के लिए भरे जा रहे हैं। तत्तुवाड़ी परिसर के गड्ढे थूक पट्टी का काम करके बनाए जाते हैं लाखों। रवि कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। तमाम मुमरा कौसावासी जो ज्यादातर सड़क से आते जाते हैं, मुमरा का ब्रिज शैलेश नगर से चढ़कर दत्तुवाड़ी परिसर में उतरते हैं और फिर कलवा थाने की ओर जाते हैं, इन्हें पता होगा हर वर्ष बारिश के चार महीनों के बाद के कुछ और महीने दत्तुवाड़ी का परिसर पैदल चलने या गाड़ी से जाने के लायक नहीं रहता है। लगातार यहाँ गड्ढे होते रहते हैं, हर साल ये गड्ढे पाटे जाते हैं, इस साल भी ये गड्ढे पाटे गए हैं। हर साल की तरह किस तरह से ये दिखावे का गड्ढे पाटने का काम किया गया है, यहाँ पर डांबर डालने का, कोलतार डालने का काम किया गया है, गड्ढों में पानी है और उसी में डांबर डाल दिया जा रहा है। ये 4 से 5 दिन पहले के 2 वीडियो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, जिसमें शुरुआत में एक बड़े गड्ढे में ये डांबर डालने का काम किया गया, फिर कैसे यहाँ पर कोई ट्रैफिक रोकी नहीं गई तो आने जाने वाली गाड़ियां रिक्शा इसमें फंसने लगी, उसके बाद लगातार 2-3 दिनों के अंदर ये थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर पैच वर्क किया गया है, गड्ढे भरने का ये काम किया गया है। मगर स्थानीय जफर सैयद हैं, उनसे हमारी बात हुई, जिन्होंने इस पर शिकायतें वगैरह भी की थी। उनका कहना है कि हर साल ये थूक पट्टी वाला काम होता है, इस साल भी थूक पट्टी वाला काम किया गया है। एक जोरदार अगर आधे घंटे की बारिश आएगी तो ये पूरा डांबर निकल करके फिर बाहर आ जाएगा। देखिए दत्तुवाड़ी में विकास के नाम का ये थूक पट्टी भरा काम और स्थानीय निवासी की प्रतिक्रिया। जफर भाई, ये कुछ दिन पहले हमें यहाँ का एक वीडियो मिला था जो यहाँ डामरीकरण का काम हुआ था, तो ये काम किस तरीके से हुआ था और क्या पूरी इसकी सच्चाई है? जो हमारे पास वीडियो आया था वो सही था क्या? नहीं, गड्ढे तो बहुत थे, पानी भी भर रहा था, बहुत मसले हो रहे थे, एक्सीडेंट हो रहा था, बाइक वाले गिर रहे थे, हम लोग ने खुद उठाए ले। अच्छा, ये जो डामर जो डाला गया था वो जो पानी भरा था उसके ऊपर ही डाल दिया गया? ऊपर ही डाला गया, टेम्पररी काम है। अच्छा, इसे थूक लगाया जाए, लगाया है कि दिखाने के लिए कि अभी गणपति आया तो हम लोग रोड कर रहे हैं। और कौन सा रोड ढंग का बना, जरा बस देख तो सब आड़ा टेढ़ा खड्डा है। ये अभी भी मतलब ये पूरे खड्डे हैं और इसको कल वापस भरा गया है। एक जोरदार बारिश आएगी ना, फिर इसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, अभी आधा कॉन्क्रीट किया है, हाँ आधा छोड़ के चले गए। अच्छा, बारिश का बहाना मिल गया हम लोग। यहाँ कोई काम ढंग का नहीं होता, खड्डे है, खाली फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है, भर दिए, हो गया, कहानी खत्म। जैसे ये पहले एक पूरी डामर की पूरा इधर पैचअप किया था और वो पानी भरा हुआ था उसी में डामर डाला गया था और फिर सारी गाड़ियां भी उसमें धस रही थी, है ना? तो अभी ये दूसरी बार डाला गया, पहली टाइम डाले ना डामर तो धस गया था, धस गया था। फिर वापिस हम लोग ने आए कल के कल, ताबड़ तो इधर से लेके जितना हम लोग का हो सकता था उन लोग ने करके गए। अच्छा, मतलब लापरवाही से पूरा काम हो रहा है, दिखाने के लिए हमने काम किए है ये दिखाने के लिए, पूरी करके चले गए। अभी भी देख लो खड्डे, गाड़ी सिलो होना ही होना है। रोड बनाने का मतलब क्या होता है, पूरी कम्प्लीट तरह से रोड बनाना है, जहाँ खड्डे वहाँ भर के चले। अभी लात मार मतलब निकलेगा, मतलब ये अभी भी खाली थूक लगाया जाए, खाली एक जोरदार बारिश होने दो, उसका रिजल्ट खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। अरे भाई रफी चाचा, आपका दिखा रहा है ये पूरा पानी भरा हुआ यहाँ पे, ये पूरी स्टार्टिंग के वीडियो दिखा रहा हूँ। देखो ये यहाँ पे एक खड्डा है। अरे भाई रिक्शा आ रही है, पूरा गरम गरम पूरा ये डाल के चले गया है, और देखो ट्रैफिक यहाँ पे पूरा ट्रैफिक जम गया है और रिक्शा अटक गई है। देखो इधर, और देखो ये पूरा गरम गरम डाला, देखो। अरे भाई ये रिक्शा, देखो कैसे अटक गई चाचा, देखो। और
फिर काम को डायरेक्ट एंड कर। अरे वो कहते काम करके बता तू बोले। अरे को